नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का महापौर सीताराम जायसवाल ने पहलवानों से हाथ मिलाकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि नाग पंचमी के अवसर पर दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गोरखनाथ मंदिर में किया गया है, जो कि हर वर्ष आयोजित होता है, जिसका शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज ने किया था और उस परंपरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुश्ती हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारी धरोहर है। हमने पूरी दुनिया को कुश्ती सिखाया है, यह परंपरा हमेशा कायम रहे। इसका आयोजन हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर किया जाता है और हमें उम्मीद है कि सभी पहलवान अच्छा प्रदर्शन करेंगे और गोरखपुर का नाम उज्ज्वल करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागपंचमी के दिन विजय खिलाड़ियों को गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार एवं वीर अभिमन्यु से सम्मानित व पुरस्कृत करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश कुमार सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, आशीष यादव रीजनल चंद्रभूषण रेलवे, शुभम बरगतवा निहाल रेलवे, पवन चौहान स्पोर्ट्स कॉलेज, कृष्ण गुप्ता रेलवे, सत्येंद्र यादव रेलवे सिंह इंडियन स्पोर्ट्स स्टेडियम को बाई, विवेक यादव रेलवे को बाई, जिन लोगों का नाम लिया गया है सभी लोग अपने आप को तैयार करके मैट के लिए कुश्ती की। एक बार फिर से कह रहे हैं, अमन यादव स्पोर्ट्स कॉलेज, अनिकेत यादव नई बाजार तैयार हो गया। अमन यादव और अनिकेत के बीच में इन दोनों पहलवानों से साधारण अनुरोध है कि वो मंच के पास आ जाएंगे और बाबा कमलनाथ जी का भी एक बार अनुरोध है कि कृपा करेंगे। तमाम लोग हैं जो ये विमन उबेर की पहली बाउट होने जा रही है। इस खेल के शुरू होने से पहले एक बार खेल के लिए इष्ट देवता शुरुआत होगी जो पहली बाउट होने जा रही है। शोभा बढ़ाने के लिए हमारे तीन तरह की प्रतियोगिता की जाती है, गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और गोरखपुर वीर अभिमन्यु। मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी मुख्य अतिथि। पहले नागपंचमी के पहले अप्रैल महीने हर दिन मैच चलते हैं। पंकज
मिलवाते हुए पहलवान कुश्ती चौधरी कैफुल गोरा जी जो और इस तरह से प्रतियोगिता क्योंकि यहाँ नागपंचमी के अवसर परंपरागत होता है, बहुत दिनों से होता आया है, वो उसी प्रतियोगिता को अभी यहाँ तीन तरह से तीन भाग में इसको कर दिया गया है। 70 किलोग्राम से ऊपर के जो पहलवान होते हैं उनको गोरखपुर केसरी में लड़ाते हैं, और 60 से 70 किलो के बीच में जो होते हैं उनको गोरखपुर कुमार के लिए लड़ाते हैं, और 50 से 60 किलो वजन के जो लड़के होते हैं उनको हम गोरखपुर वीर अभिमन्यु के लिए लड़ाते हैं। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? यहाँ कुल 80 पहलवानों ने भाग लिया। महाराज जी सम्मानित करेंगे? महाराज जी कल आएंगे, 4 बजे से 5 बजे तक उनका यहाँ प्रोग्राम है, समापन वही करेंगे, और जो फाइनल की कुश्तियाँ होंगी वो उनके सामने होंगी, और उनको नगद पुरस्कार और गदा से सम्मानित करेंगे। देखिए गोरखनाथ मंदिर और गोरखपुर कुश्ती संघ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके प्रेरणा स्वरूप अवैधनाथ जी महाराज रहे हैं, और उस परंपरा को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो कुश्ती है ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, हमारी धरोहर है, और हमने पूरी दुनिया को कुश्ती सिखाया है। इस परंपरा जो भारतीय संस्कृति कायम रहे इसके लिए गोरखपीठ की तरफ से ये आयोजन प्रतिवर्ष नागपंचमी के अवसर पर होता है। यहाँ पर और हमें उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विश्व स्तर गोरखपुर का नाम उज्ज्वल करेंगे, इसी के लिए गोरखपीठ पूर्ण रूप से समर्पण। कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जाइए सम्मानित भी करेंगे। कल 2 तारीख को 4 बजे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो विजयी खिलाड़ी होंगे उनको सम्मानित करेंगे, उन्हें इनाम देंगे।